Hello friends, welcome to medical world. Today I am going to discuss with you hormones of thyroid gland and synthesis of thyroid hormones. There are three types of hormones secreted or synthesis from the thyroid gland. Number one is tetraiodothyronine, या जिसको हम T4 कहते हैं या thyroxine कहते हैं, जो कि मेन वन होता है, एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन सेकंड वन होता है जिसको हम T3 कहते हैं, एंड थर्ड हार्मोन जो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं. टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन या T4 एंड T3 जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड या थायराइड फॉलिकल से ही सीक्रेट होते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन होता है वो पैराफॉलिकुलर सेल से या सी सेल से सीक्रेट होता है. T4 एंड T3 जो होते हैं वो एमिनेटेड हार्मोन्स होते हैं, दैट मींस मॉडिफाइड एमिनो एसिड से बने हुए हैं, और जो कैल्सिटोनिन होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है. इसके बाद हम थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो होती है या सिंथेसिस जो होती है वो ल्यूमिन में होती है, यानी स्ट्रोमल कैविटी जो होती है, दिस इज़ द ल्यूमिन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स या जिसको हम फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं, इसी में सिक्रीशन होती है थायराइड हार्मोन्स की. जो ये ल्यूमिन होता है या स्ट्रोमल कैविटी होती है, इसमें थायरोग्लोबुलिन होता है जो कि एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है. इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो कंटेन करता है या उसमें होते हैं टायरोसिन रेजिड्यूज. और जो मैंने कहा कि फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं क्यूबाइडल एपिथीलियम से, वो लाइन करते हैं क्यूबाइडल एपिथीलियम से जो लाइन करते हैं. और जो ये क्यूबाइडल एपिथीलियम जो होते हैं ये ट्रैप करते हैं आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, देन इट ट्रांसपोर्टर्स इन टू द फॉलिकुलर कैविटी. कहते हैं जो फॉलिकुलर ये जो क्यूबाइडल एपिथीलियम जो कि लाइनिंग होती है फॉलिकुलर सेल्स की, इसमें आयोडीन जो होता है या आयोडाइड जो मॉलिक्यूल्स या एटम जो होते हैं वो ट्रैप किए जाते हैं थ्रू ब्लड, एंड उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस ल्यूमन में. इसमें बहुत सारे मेकानिज्म होते हैं जिसको हम, और एक प्रोसेस भी होती है जिसको हम आयोडाइड ट्रैपिंग कहते हैं, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस ल्यूमन कैविटी में. अब हमें दो चीज़ें मिली, एक तो मिला टायरोसिन और दूसरा जो मिला हमें आयोडाइड या आयोडीन मिला. और हम कहेंगे जो आयोडीन और आयोडाइड या टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं वही एसेंशियल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के लिए. मैंने कहा कि टायरोसिन जब आयोडाइड या आयोडीन के साथ मिलता है वही ये थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, जो कि बनते हैं ल्यूमिन में, स्ट्रोमल कैविटी में या फॉलिकुलर कैविटी में. अब ये आयोडाइड कहाँ से आता है, ये हम कंज्यूम करते हैं डाइट से, और उसको फिर एब्सॉर्ब किया जाता है GI ट्रैक्ट से. और जो टायरोसिन इट्स आल्सो कंज्यूमर थ्रू डाइट एंड एब्सॉर्बर फ्रॉम द GI ट्रैक्ट. अब इसकी सिंथेसिस के बारे में हम कहेंगे. सिंथेसिस ये शॉर्ट है, दिस इज़ द स्टेप वाइज, दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन. इसमें पहले मैंने कहा कि थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस होती है, फिर आयोडाइड ट्रैपिंग होती है जो कि फॉलिकुलर कैविटी में होती है क्यूबाइडल एपिथीलियम से होती है, और ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड होती है. फिर उसके बाद आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज होती है, और कपलिंग रिएक्शंस वहाँ पे होती है. फर्स्ट जो होता है ब्लड से ट्रैप किया जाता है आयोडाइड को, और आयोडाइड जब फॉलिकुलर सेल्स
दैट मीन्स क्यूबॉइडल एपिथीलियम से जो आयोडाइड होता है उसको ट्रैप किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ल्यूमिन या फॉलिकुलर कैविटी में, जहाँ पे रिच होता है, जो कि रिच होता है थायरोग्लोबुलिन में। यही कहते हैं आयोडाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम परऑक्सीडेज। देन हमें मिला जो कि फॉलिकुलर सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल में जो आयोडीन होता है और टायरोसिन जो कि ग्लाइको जो कि एक टायरोसिन जो होता है जो कि इसलिए फॉलिकुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है। जो ही आयोडीन और टायरोसिन मिलते हैं उनकी आयोडीनेशन होती है। आयोडीन के साथ जब टायरोसिन मिलता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आयोडीनेस, तो ये दो तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनाते हैं मानो आयोडो टायरोसिन, एंड सेकंड प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं उसको कहते हैं डाई आयोडो टायरोसिन। जो ही मोनो आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन मिलते हैं वही T3 में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम ट्राई आयोडो थायरोनिन कहते हैं। और जब डाई आयोडो टायरोसिन मिलते हैं और दो ट्राई जब डाई आयोडो टायरोसिन दूसरे डाई आयोडो टायरोसिन के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं T4 यानी कि टेट्रा आयोडो थायरोनिन। देन ये कन्वर्ट होते हैं ब्लड ब्लड यानी कि प्लाज्मा में, फिर ये अपना एक्शन करते हैं। अब जो T3 एंड T4 होते हैं उसमें क्या होते हैं, T4 में होते हैं 4 आयोडीन एटम्स एंड T3 में जो होते हैं उसमें 3 ही आयोडीन एटम्स होते हैं। T3 इज क्रिएटेड इन स्मॉल अमाउंट, जो T3 होते हैं डाई आयोडो थायरोनिन जो होता है वो कम ही रिलीज होता है या स्मॉल अमाउंट्स में सिक्रीट होता है, लेकिन ये मोर पोटेंट होता है, इसका जो एक्शन मोर इफेक्टिव होता है देन T4 से। T4 जो होता है वो 90% मैक्सिमम सिक्रीट होता है और T3 7% यानी कि मिनिमम सिक्रीट होता है। हम T4 को कन्वर्ट कर सकते हैं T3 में, अगर हम इसमें एक रिमो आयोडीन करेंगे तो ये कहाँ पे होता है, ये लीवर में होता है। T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3 बाय रिमूविंग वन आयोडीन एटम इन द लीवर। कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड दैट स्टोर्स इट्स हार्मोन इन द लार्ज क्वांटिटी। इसके बाद मैंने पहले ही कहा T4 एंड T3 आर सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडाइड टू द अमाइनो एसिड टायरोसिन। जो ये आयोडीन टायरोसिन के साथ जो कि अमाइनो एसिड जो कि एक अमाइनो एसिड होता है मिलता है तो वो थायरॉयड हार्मोन्स यानी कि T4 एंड T3 रिलीज करते हैं। इसके बाद उसकी फंक्शन T4 एंड T3 की क्या फंक्शन है, ये मेंटेन करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारी बॉडी में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें यूज़ होती है डेली अमाउंट्स जो कि एनिमल्स में यूज़ होती है, जो कि एक इज़ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है इट्स एन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड डेली बाय ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स इन द रेस्ट, यही मेंटेन ही करता है जो कि हमारे एनिमल्स यूज़ करते हैं एनर्जी एट रेस्ट लाइक ब्रीदिंग डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये उसी को मेंटेन। इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, हमारे जिस्म की जो लाइक मैं जो हमारा ब्रेन है उसमें जो फैसिलिटीज़ उसको ठीक रखता है, हमारे ब्रेन को ठीक रखता है। इंक्रीजेस हीट प्रोडक्शन देयर फॉर मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हीट को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टैडपोल इनटू अडल्ट फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा इनटू अडल्ट, ये भी ये इसको भी ये हेल्प करता है। थैंक्स।